हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, अपने देश भारत की तरह ही अफगानिस्तान में भी कई अलग अलग जातीय और जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही ये सभी लोग अपने ही देश को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, जिस कारण अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों में अफगान रेफ्यूजीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, आखिर ये अफगान रेफ्यूजीज कौन है? ये कौन से एथनिक ग्रुप यानी जाति समुदाय का हिस्सा है? ये कौन सी भाषा बोलते हैं? आज इस वीडियो में हम अफगानिस्तान के 10 सबसे बड़े एथनिक ग्रुप यानी जाति समुदाय के बारे में आपको बताएंगे। और दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 10, पाशाई। दोस्तों, पाशाई समुदाय के लोग ईस्टर्न अफगानिस्तान के हिस्से में रहते हैं। अफगानिस्तान की सबसे पुरानी एथनिक माइनॉरिटीज में से एक पाशाई समुदाय के लोग इंडो आर्यन ग्रुप के वंशज हैं। अफगानिस्तान में इनकी कुल आबादी लगभग 1 लाख से 2 लाख के बीच में है और इनके द्वारा दार्तिक लैंग्वेज बोली जाती है। नंबर 9, अरब। दोस्तों, अरब समुदाय के लोग नॉर्दर्न अफगानिस्तान के हिस्से में रहते हैं। अरब समुदाय के लोग अफगानिस्तान में तब से रह रहे हैं जब लगभग 11वीं शताब्दी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा अफगानिस्तान पर हमला किया गया था। अफगानिस्तान में इनकी कुल पॉपुलेशन लगभग 2 लाख है और इनके द्वारा पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती है। नंबर 8, नूरिस्तानी। दोस्तों, नूरिस्तानी समुदाय के लोग नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान के हिस्सों में रहते हैं। नूरिस्तानी समुदाय के लोग इंडो ईरानियन ग्रुप के वंशज हैं और पहले इनको काफिर कहा जाता था और जिस स्थान पर ये रहते थे उसको काफिरिस्तान कहा जाता था, क्योंकि ये लोग इस्लाम धर्म के फॉलोअर नहीं थे। लेकिन 1880 से 1901 के बीच अफगानिस्तान के आमिर ने इन लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया और इनके स्थान को नूरिस्तान नाम दे दिया। हालांकि काफिरिस्तान के कुछ लोग आज भी पाकिस्तान के चित्राल स्थान के पास हिंदू कुश की पहाड़ियों में रहते हैं। ये कालश समुदाय के लोग हैं। नूरिस्तानी लोगों की आबादी अफगानिस्तान में लगभग 2 लाख के आसपास है और इनके द्वारा नूरिस्तानी लैंग्वेज बोली जाती है। नंबर 7, बलोच। दोस्तों, बलोच समुदाय के लोग अफगानिस्तान के बलूचिस्तान हिस्से में रहते हैं। इस समुदाय के लोग सुन्नी मुस्लिम होते हैं जो ईरान से आकर यहाँ बस गए थे। इनकी पॉपुलेशन अफगानिस्तान में लगभग 3 लाख है और ये लोग बलोची लैंग्वेज बोलते हैं। नंबर 6, तुर्कमन। दोस्तों, टर्किक भाषा बोलने वाले कई समुदाय में से एक तुर्कमन ग्रुप भी है। इनको तुर्कमन टर्क्स भी कहा जाता है। ये लोग तुर्कमानिस्तान से आकर अफगानिस्तान में बस गए हैं। ये लोग अफगानिस्तान के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में रहते हैं और इनकी कुल आबादी लगभग 4 लाख है। नंबर 5, आयमक। दोस्तों, आयमक या ओएमक दरअसल कोई जाति समुदाय नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो अलग अलग जाति समुदाय के लोगों से मिलकर बनी है। ये लोग खेती और पशुपालन करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये अफगानिस्तान के बाड़गीस, गार और हेरात प्रोविंस में रहते हैं। अफगानिस्तान में इनकी कुल आबादी लगभग 5 लाख से 8 लाख के बीच में है और इनके द्वारा दारी पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती है। नंबर 4, उज्बेक। दोस्तों, टर्किक भाषा बोलने वाले ग्रुप्स में उज्बेक सबसे बड़ा है। ये अफगानिस्तान के नॉर्दर्न हिस्सों में रहते हैं। इनकी सबसे ज्यादा आबादी उज्बेकिस्तान में रहती है। ये लोग सुन्नी मुस्लिम होते हैं। अफगानिस्तान में इनकी कुल आबादी लगभग 20 लाख है। नंबर 3, हजारा। दोस्तों, हजारा ग्रुप अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। इस समुदाय के लोग सेंट्रल अफगानिस्तान के हजाराजात रीजन में रहते हैं। ये लोग शिया मुस्लिम होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग सुन्नी मुस्लिम भी हैं। अफगानिस्तान में इनकी कुल आबादी लगभग 60 से 70 लाख के बीच में है और ये लोग दारी पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि हजारागी नाम से भी जानी जाती है। नंबर 2, तजिक। दोस्तों, तजिक अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। तजिकिस्तान के बाद इस समुदाय के सबसे ज्यादा लोग अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाए जाते हैं। तजिक को फारसी यानी पर्शियन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ग्रुप ईरान से ही निकला हुआ है। अफगानिस्तान में तजिक लोग हेरात, काबुल और गजनी शहरों में काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। अफगानिस्तान में इनकी संख्या लगभग 70 लाख से भी ज्यादा है और ये लोग पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं। अफगानिस्तान के करंट एक्टिंग प्रेसिडेंट अमरुल्ला सालेह इसी कम्युनिटी से आते हैं। नंबर 1, पाश्तून।
दोस्तों पश्तून अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है और अफगानिस्तान की लगभग 42% पॉपुलेशन पश्तून ही है। इतिहासकारों के अनुसार इनको अफगान्स, पश्तो और पठान नामों से भी जाना जाता है। ये भी ईरान का ही एक ग्रुप है जो अफगानिस्तान में आकर बस गया था। अफगानिस्तान में इनकी कुल पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा है और इनके द्वारा पश्तो लैंग्वेज बोली जाती है। हालांकि कुछ पश्तूंस हिंदी, उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज भी बोलते हैं। अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट अशरफ गानी इसी कम्युनिटी से आते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।